मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं हूँ अपने बेडरूम में, क्योंकि कल जो मैंने साड़ी धोया था सारा गर्मी का, वो मुझे घड़ी करना था। तो यहाँ पे मैं सारा घड़ी कर चुकी हूँ। अलमारी मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने पूरी ऐसे ही बिखरी थी, तो मैंने सोचा यही सारा काम है आज। जो यहाँ पर और साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ पे साड़ी तो मैंने सारी घड़ी कर दी है, बस मुझे रखना है। यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है। कोमल रोटी नहीं बना के गई थी, रोटी मैंने बनाया है। चावल और सब्जी बना लिया है। तो यहाँ पे निमोना की सब्जी बना है। और नाश्ते में मैंने क्या बनाया था मैं आप लोग से शेयर की हूँ, तो आप लोग देख लेना, बहुत अच्छा नाश्ता है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, पहले साड़ी साड़ी रख लेती हूँ। मुझे ऊपर से हो गया है, मैंने यहाँ चाय के बर्तन भी धो लिए, सारा किचन क्लीन है एकदम। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ का भी सारा काम हो गया है। तो गोलू आज स्कूल नहीं गए, गोलू का पेट दुख रहा था तो इसीलिए आज उसको स्कूल नहीं भेजे हैं। तो अभी दवा नहीं दिया गया है, अभी दवा दूंगी। तो यहाँ का झाड़ू पोछा सारा गोलू टीवी देख रही है। तो अभी हम चलेंगे छत पे, थोड़ा सा धूप लेंगे। और अच्छी खासी धूप हो रही है और ठंडी भी कम हो गई है। यहाँ पे ठंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, धूप बहुत अच्छा हो रहा है और ठंड भी बहुत कम है। हमारे चद्दर चेंज करने हैं क्योंकि ठंड जगह कर दूंगी। और थोड़ी सफाई करना है, रूम भी धोना है। ठंड की वजह से रूम भी मैंने नहीं धोया था ऐसे ही। तो कल 26 जनवरी है। आप लोग को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चे लोग आज गए हैं स्कूल में, तो कल फंक्शन भी है उन लोग के स्कूल में, तो गाना वाना मतलब गाएंगे। तो सोनम ने भी गाना लिया है, तो कौन सा गाना गाएगी मैं आप लोग को अभी आएगी तो मैं बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज के पत्ते। तो ये प्याज के पत्ते हमें छाँटना है और फिर इसे कट भी करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना सारा है, तो इसमें बहुत टाइम भी लगेगा। तो चलिए इसे हम साफ़ कर लेते हैं और इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है, तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसकी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धो के अच्छे से, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, तो ये भी डाल देते हैं। और इसमें डाल देंगे सारे पाउडर वाले मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी अजवाइन ले लेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा ले लेंगे। तो यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने डाल दिया, यहाँ पे ये भी डाल देते हैं। अजवाइन से क्या है, फ्लेवर इसकी अच्छी आएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया है, ये भी डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं, तो इसे रख देते हैं साइड में। तो इसमें मैं डालने के लिए ले रही हूँ अदरक, और जो थोड़ा सा लाल हरा मिर्चा आता है वो ला ले रही हूँ। और फिर मैं ले लूँगी लहसुन। तो इसका हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, दरबर ही पेस्ट बनाना है। तो चलिए फिर इसे हम सारा डाल के इसका हम दरबर पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका किस तरीके से पीसा हुआ है, ज़्यादा महीन नहीं किया है। तो इस भी ये भी हम इसी में डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया है, इसे मैंने सूखा ही पीसा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था, तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसमें नमक अब डाल देते हैं, क्योंकि प्याज बहुत पानी भी छोड़ता है, इसीलिए नमक हमें लास्ट में डालना है। तो इसे भी मिक्स करके मैंने रख दिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है, गर्म कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, तो तेल डाल देते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सारा मैंने डाल दिया है, तो इसे हम पलट लेते हैं। एक तरफ लाल हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से लाल हो गया, तो इसे पलट देते हैं। तो यहाँ पे जो हो चुका है एक एक पकोड़े, वो हम निकालते ही जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा लाल हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए फिर इसे निकाल लेते हैं। हमारा प्याज का पकोड़ा बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, हमारे प्याज के पकोड़े बनके रेडी हो गए, प्याज के पत्ते के पकोड़े। तो हमने प्याज के तो बहुत खाए हैं, तो कभी इस तरीके से ट्राई करना, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तो सीज़न है। Thank you.
हम आ गए हैं छत पे। तो मैं आई हूँ कभी का, मतलब खाना खा के मैं छत पे आ गई थी, तो यहाँ पे सारे स्कूल के ड्रेस धो के डाले हुए हैं, क्योंकि इसीलिए सब कुछ धो के हमने डाल दिया बच्चे लोग का स्कूल का। और अभी चल रहे हैं नीचे, लाइट है, इस्त्री करेंगे क्योंकि कपड़े कल इसकी। और यहाँ का मौसम मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, धूप चली गई है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कोहरा जैसे हो रहा हो। और मम्मी कह रही है मौसम भी गर्म है, बारिश भी हो सकती है। और यहाँ पे मतलब ये फिर कपड़े उतार लेते हैं और फिर मैं चलती हूँ नीचे और लाइटें कपड़े इस्त्री कर देते हैं। ने लगाया है बोर्ड को, बांध दिया है अच्छे से ताकि ये गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खटी पे बैठते थे तो वहाँ से दिखाई देता था। तो इसीलिए मैं साड़ी अपनी डालती थी तो मम्मी ने कहा ये वाला लगा देंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी बैठने में। और यहाँ पे अब हम लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना दुपट्टे का, मतलब खटिए पे। नहीं तो क्या है, सामने की तरफ से दिखता था, दवा खाना है तो वहाँ से दिखता था तो अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आलू खना के प्याज सारा लग गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा पापा ने प्याज लगा दिया है। यहाँ पे दीदी जी का भी प्याज लग गया है, आलू खाना आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे पापा जी जा रहे हैं खेत में, बच्चे लोग वहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। यहाँ का आप मौसम देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा होना स्टार्ट हो गया है, आप धूप देख सकते हैं। छोटी वाली कुकर जो है वो ख़राब हो गई है तो इसीलिए मैंने इसी में बना लिया है। और आज मैंने रात के बर्तन भी धो लिए हैं, सारा किचन क्लीन कर दिया है, एकदम सारा किचन क्लीन है मेरा। तो अब चल रहे हैं खाना देने सबको। तो चलिए फिर इस ब्लॉग पे ही पेंट करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी।